वंस अगेन आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं डॉक्टर ऐसेकान, सीनियर क्लिनिकल न्यूरोफिजियो कंसल्टेंट। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वॉचर्स नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जिस बीमारी को हम की जानकारी आप तक पहुँचाने जा रहे हैं, उस बीमारी का नाम है पार्किंसन डिसीज़। आमतौर पर लोग इस बीमारी को रासा के नाम से भी जानते हैं। पार्किंसन रोग से तात्पर्य एक ऐसे मानसिक रोग से है जिसमें मानव शरीर में कपकपी उत्पन्न हो जा शुरू हो जाती है, उसके शरीर में कठोरता आ जाती है, चलने में परेशानी होती है, संतुलन या तालमेल आदि समस्याएं उसके साथ होना शुरू हो जाती हैं। ये एक सामान्य तौर पर होने वाली बीमारी है जो कुछ समय के बाद गंभीर रूप ले लेती है। दोस्तों, अगर हम पार्किंसंस डिसीज़ के लक्षण के बारे में बात करें तो इसके जो लक्षण हैं वो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। मुख्यतः 5 लक्षण पार्किंसंस रोग में देखने को मिलते हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि मरीज़ पार्किंसंस रोग से ग्रसित होता जा रहा है, जिसमें मुख्य जो लक्षण हैं वो कपकपी होना है या मनुष्य की कार्य क्षमता धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती है। उसकी कार्य क्षमता मैं कहूँ तो वो धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है या मांसपेशियों में उसकी अकड़न आनी शुरू हो जाती है, बात करने में परेशानी होने लगती है, या अगर कोई कार्य वो कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है, उसके लिखने में दिक्कत आने लगती है। दोस्तों, ये एक ऐसी गंभीर बीमारी है, जब बढ़ती है तो ओवरऑल जो फंक्शनलिटी इंसान की है रोज़मर्रा के कार्यों में भी ये विलम्ब उत्पन्न करना शुरू कर देती है। अगर हम इसकी वजह के बारे में या कॉजेज ऑफ पार्किंसन डिसीज़ के बारे में कि पार्किंसन डिसीज़ किन कारणों की वजह से हो सकती है, उस पर हम चर्चा करें तो मुख्यतः देखने को मिलता है कि पार्किंसन्स की बीमारी के निम्नलिखित वजह हो सकती हैं, निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। जैसे मुख्य कारणों में एक जेनेटिक कारण माना जाता है कि पार्किंसन्स की डिसीज़ जेनेटिक कारण की वजह से भी इंसान में देखने को मिलती है। कुछ लोगों, कुछ विद्वानों का, कुछ वैज्ञानिकों को मानना है कि वायरस के संपर्क में आने से भी मरीज़ में पार्किंसन्स जैसे लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। और जैसे कुछ मरीज़ इसका इलाज एंटीबायोटिक दवाइयों के द्वारा किया जाता है, लेकिन फिर भी लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हालांकि जब वायरस के संपर्क में आने से, अक्सर पार्किंसंस रोग वायरस के संपर्क में आने की वजह से भी हो सकता है, हालांकि इसका इलाज एंटीबायोटिक दवाइयों के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन फिर भी लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम पार्किंसंस बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक दवाओं से उसका इलाज किया जा सकता है, बल्कि वायरस के संपर्क से अगर पार्किंसन डिसीज़ हो रही है तो हम वायरस के प्रभाव को तो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन पार्किंसंस की वजह, किस वजह के साथ पार्किंसंस हो रहा है, क्यों हमें पार्किंसंस बीमारी के लक्षण नज़र आ रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन अभी हम मुख्यतः बात कर रहे हैं कि क्या वजह हो सकती है। जैसे हमने बोला कि भाई जेनेटिक इशू हो सकता है, वायरस की भी कोज हो सकता है, या दिमाग की कोई नस दब जाए जिसकी वजह से पार्किंसंस बीमारी के लक्षण नज़र आने लगते हैं, या सिर पर चोट लगना भी इसकी वजह हो सकती है। वातावरण का कारण भी हो सकता है कि पार्किंसन रोग मुख्य रूप से वातावरण का कारण भी होता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति प्रदूषण या केमिकल युक्त इत्यादि वातावरण में रहता है, उन्हें पार्किंसन रोग जैसी गंभीर बीमारियां होने की संभावना रहती है। पार्किंसन रोग के अलग अलग स्टेजेस होती हैं दोस्तों, इसमें अलग अलग स्टेजेस के बारे में मैं आगे बताऊंगा कि पार्किंसन रोग में किस तरह की स्टेजेस होती हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए। तो दोस्तों, फिर एक बार कहूँगा कि जो लोग हमारे वीडियो को या हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, पसंद आती है वीडियो तो उसे लाइक करें, और इस जानकारी को
जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उन तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वो वक्त रहते हुए इस बीमारी से सजग हो जाएं और सही एक्शन लें। पार्किंसंस डिसीज़ का इलाज मैं डॉक्टर ऐसे खान भी करता हूँ। अगर कोई परेशान हाल है और वो मेरे यहाँ करीबी नियरेस्ट है, मैं किठौर से बिलोंग करता हूँ, तो नस रोग निवारण हॉस्पिटल में मैं 3 से 6 बजे तक बैठता हूँ, तो आप मुझे से संपर्क कर सकते हैं इस बीमारी को लेकर। तो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर एक नई और नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुखातिब होंगे। आदाब।